अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ वेडिंग के कुछ ड्रेसेस। ये फैंसी ड्रेस है और ऑर्गेन्जा का, और नीचे मैंने लगा दी है दामन पे, ये देखें लटकन वाली लैस लगा दी है इस तरह से। ये लटकन वाली लैस है और स्लिट पर सिंपल तुरपाई की हुई है, ये देखें। इसके नीचे मैंने इनर लगाया है, वो देखें मसूरी का, मसूरी का इनर है, बिकॉज इसके साथ ड्रेस जो है वो शाइनी हो जाता है। ये देखें फैंसी ड्रेस है, इसके ऊपर इस तरह से ये सारा हैंडमेड वर्क भी हुआ है, ये देखें आप। ये इसके साथ पैच अटैच कर दिया है, ये देखें इस तरह से। और इसका ट्राउज़र है वो भी मसूरी का ही बनाया है, ये देख लें। इसकी नेकलाइन बहुत खूबसूरत है, ये देखें नेकलाइन बहुत ही डिफरेंट है इसकी, यहाँ से देखें आप ज़रा, ये देखिए जी इस तरह से देखिए इसकी नेकलाइन बनाई है मैंने। तीन बॉक्सेस वाली, तीन पत्तियों वाली नेकलाइन बनाई है। आपको पता है आजकल ये नेकलाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही है। इसको मैंने सारा लैस के साथ कवर कर दिया है, पहले नेकलाइन बनाई है, इसके ऊपर सारी ये मैंने लैस लगा दी है, ठीक हो गया। और इसके स्लीव्स देखें ज़रा, इसके स्लीव्स मैंने पफी बनाए हैं, इसका फैब्रिक काफ़ी खुला था इसलिए मैंने स्लीव्स जो हैं वो पफी बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपको पता है ये स्लीव्स, ये देखिए ठीक मैंने ऊपर से चौंट रखी है इसकी, ये देखें ये पहने हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये देख लें जी इस तरह से ये इसके स्लीव्स हो गए। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे भी उसी तरह देखिए मैंने सारी लटकन वाली लैस लगा दी है, और बैक साइड पे ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है लाइट सी। और बैक की नेकलाइन देखें ज़रा मैंने किस तरह से कवर की है, डीप मैंने नेकलाइन रखी है, बैक से भी नॉर्मल नेक से मैंने थोड़ी सी डीप रखी है। और ये पीछे मैंने ये देखे लटकन लगा दी है, ये दो मैंने फैंसी लटकन लेके बैक नेकलाइन पे लगा दिए हैं, ये देख लें बहुत ही खूबसूरत ये लटकन है, ये देख लें ये इस तरह से लटकन लगे इसको सिंपल। इसके साथ मैंने कैपरी स्टिच किया है, ये देख लें मसूरी के जो इसके नीचे इनर लगाया उसी की मैंने कैपरी स्टिच कर दी है, और नीचे ये देख लें तुरपाई कर दी है। ये है इसका हसीन तरीन दुपट्टा, हैवी दुपट्टा है, इसके पल्ले काफ़ी हैवी है, ये देख लें आप पल्ले काफ़ी हैवी हैं। और नीचे ये देखें ये टसल लगे हुए हैं, ये दुपट्टा मुझे रेडी मिला था इसी तरह से। और ये देखें फोर पट्टी बॉर्डर भी है इसके साथ, ये इसका दुपट्टा हो गया। बहुत खूबसूरत ये ड्रेस है, आप इसकी नेकलाइन पे फोकस कीजिएगा। लाजमी नहीं है कि हम किसी फॉर्मल या कैजुअल वेयर ड्रेसेस की ही ऐसी नेकलाइन बना सकते हैं, हम फैंसी ड्रेसेस को भी स्टाइलिश कर सकते हैं, इस तरह की नेकलाइन बना के डिफरेंट स्टाइल बना सकते हैं। ये देखें इसकी नेकलाइन, ये इस तरह से शर्ट के ऑल ओवर लुक देख लें आप, ये देखें जी ये हो गई शर्ट। और इसके स्लीव्स यहाँ पे मैंने ये देखें लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है, फैंसी लेस लेके उसके साथ मैंने फिनिशिंग कर दिया, ये बॉर्डर अटैच कर दिया है, ये इसके स्लीव्स हो गए, ये लें जी ये देखें जी ये इस ड्रेस की ऑल ओवर लुक है इस तरह से। इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा डिफरेंट सा इसका कलर है, ये चलो जी। ये है जी वेलवेट का फैंसी ड्रेस, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और आपको पता है विंटर में तो वेलवेट बहुत ही ज़्यादा इन हो जाती है, ये देख लें फुल हैवी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, और इसके ऊपर वर्क भी बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड वर्क के साथ में, ये देख लें। इसको मैंने कुर्ता स्टाइल में स्टिच किया है, सिंपली इसको मैंने कैरी किया है, ये देख लें आप, ये इसकी नेकलाइन बनी हुई है इस तरह से। और ये देखें ये इसके स्लीव्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फुल हैवी शर्ट है इसलिए ये देखिए इसके ऊपर मैं कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकती थी। इसके साथ जो शॉल है वो भी हैवी है, और ट्राउज़र जो जामावार के हैं। सिंपली इसकी बेशेप में नेकलाइन बनाई है, बिकॉज ये हैवी ड्रेस है इसलिए इसकी नेकलाइन भी सिंपल ही बनाई है, ये देख लें आप। बैक साइड इसकी थोड़ी सी लाइट है, ये देखें नीचे बॉर्डर मिला हुआ है और ऊपर ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है, पीछे मुझे थोड़ी डिज़ाइनिंग के लिए स्पेस मिल गई है। ये देखें इसकी जो नेकलाइन है इस तरह से मैंने डीप नेकलाइन बना दी है बैक से, ये देखें डीप नेकलाइन है। और ये देखें खूबसूरत चीज़ बनाई है, ये फैंसी लेस लेके
उसी की मैंने डोरी बना दी। आप चाहें तो इसकी डोरी भी बना सकते हैं, सिंपली डोरी किसी कपड़े की फैब्रिक की आप बना सकते हैं। और ये देखें, ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है मैंने और ये ट्रायंगल बना दिए साथ में। और नीचे ये देखें, ये वेलवेट का बॉक्स बना के यहाँ से जो फैब्रिक बचा था ना बैक साइड से, मैंने फैब्रिक लिया है, सेंटर में एम्ब्रॉयडरी आ गया। और ये देखें साइडों पे मैंने ये लेस कवर कर दिया, यही लेस को कट करके ये देखें यहाँ पे भी मैंने यूज़ कर लिया है। ये लटकन बहुत मज़े के लगते हैं बैक साइड से, ये देखें इस तरह से इसके लटकन आ रहे हैं। ये अभी जो ये ट्रायंगल बनाई है इसको भी मैंने काविया करना है। इसको जब काविया करूँगी फिर ये बिल्कुल नीट हो जाएगा और ये धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अभी इसकी मैंने सेटिंग करनी है। ये जो मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया है ये देखें, इसमें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ था वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है, इससे ये फोमी सा बन जाता है और अच्छा लगता है। और ये देखें बहुत ही इजी है ये बनाना। आप बॉक्स बनाएं और फिर इसको भी देखें, मैंने यहाँ से कवर कर दिया सारा और ऊपर मैंने लेस लगा दी है। ये लहंगों पे दुपट्टों पे भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बैक साइड की नेकलाइन पे भी। ये इसके साथ देखिए सेंटर सिलाई वाली मैंने कैप्री बना दी है, जामावार की सिंपल कैप्री है इस तरह से। ये नीचे ही देखिए मैंने तुरपाई कर दी है जस्ट, ये देखिए जी। ये है जिसकी हैवी फुल हैवी वेलवेट की शॉल। और इस तरह से देखिए ये सारी मैंने पहले इसको पाइपिंग कर दी है, मसूरी की गोल्डन पाइपिंग लेके वो मैंने कर दी है। और देन इसकी जो स्पेस यहाँ पे बच रही थी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट नहीं किया, वहाँ पे मैंने सारी लैस लगा दी है गोल्डन इस तरह से। ये देखें सारी गोल्डन लैस के साथ इसको मैंने कवर कर दिया है। और नीचे लटकन के लिए ये मैंने लेस लगा दी है। ये जो लेस है बहुत ही इजीली मिल जाती है मार्केट से और ये मैंने फैंसी लेस है इसको लगा दिया नीचे इस तरह से। देखें शॉल, एक शॉल की कंप्लीट लुक बन गई है। ये देखिए जी इस तरह से है ड्रेस की ऑल ओवर लुक। शॉल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये जो इसके पल्ले हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं, पल्लों पे जस्ट मैंने लैस लगाई है लटकन वाली। इस तरह से लेंथ भी इंक्रीज़ हो गया और वैसे भी खूबसूरत लगता है, कंप्लीट लुक लगती है। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।